बाजार में बिक रहे बड़ी कंपनियों के जूस की बजाय प्राकृतिक उत्पाद से जूस बनाकर उनका उपयोग करने का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग प्राकृतिक उत्पादों को अपनाकर खुद को फिट रखने के प्रति ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। इन दिनों बुरांश और आंवले का जूस बनाने वालों की होड़ लगी हुई है। उद्यान विभाग के खाद्य प्रसंस्करण विभाग में बुरांश और आंवले का जूस बनाने वालों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। सहायक विकास अधिकारी प्रमोद सिंह राणा बताते हैं कि बुरांश और आंवले का जूस बनाकर उसका उपयोग करने का चलन हाल के वर्षों में बढ़ा है। उन्होंने बताया कि बाजार में बिक रहे कंपनियों के उत्पादों के बजाय बुरांश, संतरा, माल्टा, नींबू, आंवले का जूस सेहत के लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने बताया कि आंवले का जूस पेट के लिए तथा बुरांश का जूस दिल की बीमारी तथा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अभी हमारे राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केंद्र में काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं कि पूर्व में भी हमारा 2021 में भी काफ़ी अच्छा राजस्व रहा था। 5500 किलो का हमारा लक्ष्य था पूरे साल भर का और 6935 किलो हमने लक्ष्य से भी अधिक काफ़ी प्राप्त किया और लगभग 128875 रुपये हमारा राजस्व जमा हुआ। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक लोग आइए और सरकारी दरों पर ही जूस बनाइए, क्योंकि सरकारी दरों पर आपको जूस भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी और आप जो बाज़ार से पेप्सी कोला ये यूज़ कर रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और जो आपका हमारा यहाँ का प्रोडक्ट है आप उसको यूज़ करेंगे तो आप अधिक अपना स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन भी। आंवले का जूस हमारे पेट की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप चाहे अगर आपको शुगर है तो आप सादा ले लीजिए और अगर आपको वैसे लेना चाहते तो भी आपके लिए बढ़िया है। बुरांश का आपका हार्ट की डिसीज, ब्लड जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है बुरांश, और बुरांश हमारे एक राज्य खुश पे भी है और लोकल आपको अवेलेबल भी हो जाता है। इसमें सबसे मेन चीज़ है क्या कहते हैं कि हम वेट, अब हमने वहाँ पर तराजू लगा दिए गए हैं, सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं कि वेट के हिसाब से ही आपका कितना किलो चीनी है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर फिक्स करके बता रहे हैं ताकि हम ये दिक्कतें ना आए। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।